हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 17 फरवरी, यानी कि संडे। संडे का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पूरे 3rd वीक ऑफ फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे सारे के सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे। एक्चुअली कुछ टाइम से वीडियोस अपलोड रेगुलरली नहीं हो पा रही, इसका एक बहुत बड़ा रीजन एक्चुअली आप सबने सुना ही होगा कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ J&K में, तो उस वजह से J&K में इंटरनेट सर्विसेज पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। इस वजह से 2 दिन से वीडियोज रेगुलरली नहीं आ पा रही हैं। अभी तक इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर नहीं हुई हैं। स्टिल आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो काफी मुश्किल से, प्रॉब्लम फेस करके। आई होप जल्दी से वीडियोस अपलोड रेगुलर हो जाएंगे जैसे ही इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। तो तब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट आप गैस करने इनके करेक्ट आंसर्स, एंड साथ साथ इसके करेक्ट आंसर्स मैं आपको साथ साथ बताते भी चलूंगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, जो द फॉलोइंग स्टेट पास 5% कोटा फॉर गुजर्स एंड 4 अदर नोमैडिक कम्युनिटीज। तो कौन सी स्टेट की असेंबली ने ये बिल पास किया था ताकि रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी 5% इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स टू गुजर्स एंड अदर नोमैडिक 4 नोमैडिक ट्राइब्स। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन बी, राजस्थान। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मास्कट ऑफ नेशनल गेम्स 2022। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इसका होगा जो ऑप्शन नंबर ए, क्लाउडेड लेपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13th फरवरी। Which state government has announced universal old pension scheme called Mukhyamantri Vridhan Pension Yojana? तो कौन से स्टेट द्वारा ये पेंशन योजना यूनिवर्सल ओल्ड, जिसके तहत 400 रुपये पर मंथली प्रोवाइड किया जाएगा टू सीनियर सिटीजन, एक्सेप्ट वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होने चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। Who is the author of the book Undaunted Saving the Idea of India? तो इसके बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर हैं पी चिदम्बरम। ओके, which bill has been introduced to arrest the cases of Indian women being trapped in fraudulent marriage with NRI? So bill हाल ही में पास हुआ था, जिसके तहत 30 days के अंदर अगर कोई भी Indian woman शादी करती है NRI से तो उसे register भी करवाना होगा। तो इस bill का जो नाम है registration of marriage of non-resident Indian 2019। okay, what is the theme of 2019 international day of women and girls in science? So theme क्या रखा गया था जो 11 फरवरी को celebrate करते हैं? तो थीम रखा गया था इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। ओके, इंडिया हैड इट्स 3rd एनवायरनमेंट फोरम ऑन 13 फरवरी 2019 विद विच नेशन? तो कौन से नेशन के साथ हुआ ये हुआ जी, जर्मनी के साथ। ओके, जेम्स चैंडविक हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल ड्राइवर टू विन MRF चैलेंज टाइटल, तो ये बताने की कौन सी कंट्रीज है? तो ये है जी इंग्लैंड। ओके, विच कंट्री हैज नाउ ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू नॉर्थ मैकेडोनिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए, मैकेडोनिया। ओके, इंडियन आर्मी रिसेंटली कैरिड आउट द एनुअल एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज तोपची इन विच इंडियन स्टेट? तो कहां पे हुई है जी? नासिक। कहां पे? महाराष्ट्र। ओके, लेजेंडरी गोलकीपर गार्डन बैंक्स, इनका भी निधन हुआ था, तो ये कौन से नेशन से बिलोंग करते थे? तो ये है इंग्लैंड। ओके, देन उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व? तो ये मैं बता चुका हूँ, करेक्ट आंसर 11 फरवरी। ओके, देन उसके बाद देखो, आप क्वेश्चन मार्क नंबर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। एक्चुअली देखो, आज का वीडियो इंटरनेट सर्विसेज बिल्कुल नहीं है, तो कहीं 3rd प्लेस पे जाके अपलोड करनी पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लेना। ओके, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज फॉर्मुलेटिंग कुसुम स्कीम? तो ये कौन सी मिनिस्टर बना रही है फॉर फार्मर्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, एंड इसकी फुल फॉर्म आपके सामने लिखी। देन इन विच इंडियन स्टेट 3rd इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड? तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ जी? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। ओके, इस बुक के आपको ये बताना था कि जो बुक रेडियो डे वाले दिन रिलीज हुई थी 13 फरवरी को, तो इस बुक का नाम क्या है जिसके ऑथर है राकेश आनंद बख्शी? तो इस बुक का नाम था लेट्स टॉक ऑन एयर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन हु बिकेम द 3rd इंडियन टू रीच टॉप 100 ऑफ मैन सिंगल टेनिस रैंकिंग? तो ये 3rd इंडियन बन गए जी, प्रजनेश गुनेश्वर। ओके, द फर्स्ट एवर वर्ल्ड पल्सिस डे, पहली बार वर्ल्ड पल्सिस डे ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, 2018 में UN जनरल असेंबली ने इसे डिसाइड किया था, इस ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया जी 10 फरवरी को इस साल। ओके, इन विच इंडियन हिस्टोरियन वॉन इजराइल डैन डेविड प्राइस? तो कौन से इंडियन हिस्टोरियन बन गए? तो इनका नाम है जी संजय सुब्रमण्यम। ओके, देन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली कॉल्ड फॉर टोटल बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस। ओके, फादर फ्रैंकोज लेबॉर्डे हु हैज बीन कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? तो ये बताने की कौन सी इंडियन स्टेट से? जी वेस्ट बंगाल। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान, तो इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान जो अपॉइंट हुई थी रुचिरा कंबोज, ओके। देन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना। रिसेंटली जो यूए के जुडिशियल डिपार्टमेंट ने थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज को दर्जा दे दिया वो हमारी अपनी हिंदी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। एक नेशन था जिसने एग्जेम्पशन दे दिया सारे टैक्सेस टू वुमेन्स जिनके चार या चार से वो बच्चे होंगे, ताकि हंगरी की, एक्चुअली हंगरी इसका करेक्ट आंसर होगा, वहां की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को देखते हुए वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषणा की कि जिस वुमेन के चार या चार से वो बच्चे होंगे उन्हें लाइफ टाइम टैक्स एग्जेम्पशन दी जाएगी, तो करेक्ट आंसर इसका हंगरी, ओके। देन इंडिया का लार्जेस्ट इंडियन प्राइमरी इंस्टीट्यूट जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, तो ये कौन से इंडियन स्टेट में है, ठीक है, तो ये है जी हरियाणा के झज्जर एरिया में। देन उसके बाद ये इंडियन स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप बिगेन हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये हुई थी गुवाहाटी, ओके। देन उसके बाद इन विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीनेम दिकीबंदी स्टेडियम आफ्टर पी ए सकमा, पी ए सकमा फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थे एंड फॉर्मर सीएम भी थे उस स्टेट के, तो ये हैं जी करेक्ट आंसर मेघालय। देन एच आर डी मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ विच एंशिएंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, तो किस लैंग्वेज के जो रिकमेंडेशन कमेटी बनाएगी तो उसकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेगी, तो कौन सी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैथिली, ओके। तो नेपाल एंड झारखंड में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। रिसेंटली महेश भट्ट इनकम महेश आनंद का निधन हुआ हाल ही में, तो ये बताना कि कौन से फील्ड से रिलेट करते थे, तो ये फिल्म इंडस्ट्री। देन हु डेडिकेटेड ए चैनल डी डी अनुप्रभा फॉर अरुणाचल प्रदेश, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये डेडिकेट किया, ठीक है। जिमी कार्टर जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था फॉर इज बायोग्राफी फेथ ए जर्नी फॉर ऑल, तो आपको बताना है कि उन्होंने अपनी लाइफ का कौन सा जीता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है आप एक बार ही देख सकते हो। एल्बम तो ये रिकॉर्ड फिल्म बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बेस्ट रैप एल्बम ये वगैरह आप जरूर देख सकते हो, ओके। देन उसके बाद आपको बताना है कि थर्ड डे थ्री डे कृषि कुंभ जो स्टार्ट हुआ था 9 से 11 फरवरी, तो कहाँ पे हुआ था ये, तो ये हुआ था जी बिहार, ठीक है। रिजर्व बैंक ने कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स की लिमिट बढ़ा के 1 लाख से 1.5 लाख 1.6 लाख कर दी है, तो ये आपको बताना था कि कितने लाख कर दिया लिमिट इसकी, ठीक है। कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं जिसके जो जिन पे फार्मर्स को कुछ भी एसेट्स अपने गिरवी नहीं रखने पड़ते। देन उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑन 7 फरवरी, जो अपॉइंट होते हैं इनका नाम है जी श्री शैलेश। देन उसके बाद रिसेंटली सेंटर एलोकेट्स हाउ मच करोड़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लॉइन कंजर्वेशन इन गुजरात गिर फॉरेस्ट, तो सेंटर ने अलोट किया 59। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 300 T20 मैचेस रिसेंटली, तो ये बन गए जी MS धोनी, ओके। देन मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज अमर 19 एक स्टार्ट कंडक्ट हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये, हुई जी पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज बीन अनाउंस्ड एज द मास्कट फॉर 13th UN कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देन हु क्लेम्ड चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट ऑन 10th February 2019, करेक्ट आंसर इज क्वारंटाइन मॉन्क। Then which Indian Indo-Canadian was conferred with Lifetime Achievement Award by the Academy of Canadian Cinema and Television? So, इसका जो correct answer होगा जो option number A, Deepa Mehta. Then who was appointed as the assistant coach of Australia for the 2019 World Cup? So, इसका जो correct answer होगा जो option number A, Ricky Ponting. Okay, Shane Warne किसी IPL team के brand ambassador point हुए थे, इनका नाम है जी team है Rajasthan Royals. Okay, Himalayan Cloud Observatory setup की गई, तो कहाँ पे हुई जी? ये हुई जी उत्तराखंड। देन उरून इंडिया फिल्म ट्रॉफी लिफ्ट जिसमें डोनेशंस में सबसे टॉप पे रहे एशिया के, तो वो रहे जी मुकेश अंबानी, ओके। उन्होंने 437 करोड़ डोनेट किया। देन उसके बाद फ्रॉम विच नेशन विच स्टेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया वंदे भारत एक्सप्रेस, तो कहाँ से किया था जी 15 को, ये किया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन 18 को, ओके, जिसका नाम पहले ट्रेन 18 था। देन उसके बाद J&K ने किसी रीजन को डिविजनल स्टेटस देने का परमिशन दे दिया, ठीक है, ग्रांट मिल गई है, तो ये होगा जी लद्दाख, ठीक है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर दो डिवीजन थे, अभी लद्दाख भी होगा। देन उसके बाद भी स्टेट हैज अनाउंस्ड स्कीम नेम्ड अरुंधति, तो कौन सी स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की, ये कीजिए आसाम, ठीक है, जिसके तहत 1 तोला सोना प्रोवाइड किया जाएगा टू एवरी गर्ल्स वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करती है ड्यूरिंग देयर मैरिज। देन उसके बाद जो द फॉलोइंग आर अमंग द टॉप 10 रेवेन्यू जनरेटिंग मोनूमेंट्स ड्यूरिंग 2015 to 2008, तो टॉप 3 में आपको बताना है, इसमें टॉप 10 में से अमंग टॉप 3 कौन से, टॉप 3 है जी ताजमहल, रेड फोर्ट एंड आगरा, ठीक है। तो 3 इसका जो ऑप्शन नंबर सी ई आंसर करेक्ट होगा जो मैंने मार्क किया।
देन उसके बाद सिल्वर मेडल किसने जीता था, ईजीएटी कप जो थाईलैंड में हो रहे थे, इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ईजीएटी की फुल फॉर्म। तो गोल्ड जीता था जी मीराबाई चानू ने एंड सिल्वर जीता है जेरेमी लालनिरोंगा ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर। ठीक है, तो ये बुक पी एन भगवती पे एंड इस बुक के ऑथर है मूलचंद शर्मा। लास्ट क्वेश्चन, नियाची ट्राइब ऑफ विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग फोर नाइट लॉन्ग बुरी बूट योलो फेस्टिवल। कौन सी स्टेट के नियाची ट्राइब ने इसे सेलिब्रेट किया, क्या जी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ओके, फिलहाल देखो आज के वीडियो में इतना ही। आई नो थोड़ा सा स्पीड में भी किया, एक्चुअली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपको पता ही कि इंटरनेट ना हो तो इस वजह सारी चीजें स्टक हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज का वीडियो एक्चुअली 14th का 15th का वीडियो भी थोड़े से लेट हो अपलोड हुआ। एक्चुअली मैं उस दिन अपलोड कर चुका था, बना चुका था वीडियो, मॉर्निंग में अपलोड होती है वीडियो, बट यू नो लेट नाइट इंटरनेट सर्विसेज पूरी तरह बंद हो गई, इस वजह से मॉर्निंग में वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाया। तो इस वजह से आज का वीडियो में अभी स्टिल इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर नहीं हुई है, तो बड़ी मुश्किल से यू नो बाद में बताएंगे आपको कहाँ भी ये अपलोड हो रही है वीडियो, बट स्टिल आई हैव टू अपलोड बिकॉज संडे का इंपॉर्टेंट होता है रिविजन आप सबके लिए। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो इंटरनेट सर्विसेज जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए एंड हम कंटिन्यूसली नॉर्मल जैसे एज यूजुअल हम वीडियो अपलोड करें, उसे रेगुलर हम अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।